हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम बात करेंगे एक रिक्रूटमेंट से जुड़े नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा आपके सामने है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी द्वारा भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पद इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य कुछ पदों के लिए नंबर ऑफ पोस्ट है 14, 14, 8 मई से। इसका जो लिंक है ऑलरेडी एक्टिव में है। लास्ट जो डेट है वो है 7 जून जी। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस तरह की रेगुलर वीडियो चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जी। तो वसंत कॉलेज फॉर वुमेन द्वारा जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंडर है जी, हाँ उन द्वारा, उस कॉलेज द्वारा जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। और उसमें अलग अलग पोजीशन वाइज है, जैसे प्रोफेसर, क्लर्क, एमटीएस और अन्य कुछ पदों के लिए। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। वैकेंसी की बात करें, अकॉर्डिंग टू पोस्ट वाइज ये आप दे सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। एजुकेशन की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट की गई है, PhD, UGC नेट और या फिर नेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। क्लर्क के लिए बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट की गई है और टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। MTS के लिए आपके जो है वो 10th पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। एज की बात करें तो इसमें जो एज है मिनिमम वो 18 है और क्लर्क के लिए मैक्सिमम एज 32 है, MTS के लिए 40 है। अदर कैटेगरी वालों के लिए गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रिलैक्सेशन है। सिलेक्शन जो होगा वो रिटर्न एग्ज़ाम के बेसिस पर किया जाएगा, सैलरी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल। फीस की बात करें तो जनरल और OBC के लिए 1000 है और वहीं नॉन टीचिंग पदों के लिए 500 है। SC ST के लिए फ्री है, कोई भी फीस नहीं है। उसके बाद ये नोटिफिकेशन है 6 पेज का, जिसमें टीचिंग पोस्ट और नॉन टीचिंग पोस्ट को डिवाइड किया गया है और यहाँ पे पोस्ट वाइज जो भी डिटेल है आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पूरा एड्रेस वगैरह दिया गया है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड, क्या क्या कंडीशन है उनको आप चेकआउट कर सकते हो। और फिर यहाँ पे नॉन टीचिंग पद के लिए यहाँ पे दिया गया है वो आप चेकआउट कर सकते हो। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या क्या है पोस्ट से रिलेटेड वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पर आके आप पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म है टीचिंग पोस्ट के लिए और सेकेंड फॉर्म है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आके आप पोस्ट से जुड़ी जो भी बेसिक डिटेल है चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन और वेब एप्लीकेशन लिंक या कहें वेबसाइट, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।